तो भाई साहब BGMI गेम के अंदर 2.5 की अपडेट को आया हुआ है, 4 से 5 दिन हो चुका है और आप लोगों का अभी भी इंटरनेट बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जा रहा है। आप लोग एक मैच खेलते हो, दो मैच खेलते हो, इतने में आप लोगों का 1.5 GB इंटरनेट कहाँ चले जाता है भाई, उसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता। बट दोस्तों इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 से 4 तरीके के सोल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। और दोस्तों ये सारे के सारे सोल्यूशन मुझे अपने सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। अब दोस्तों ये चीज़ को आप लोगों को ट्राई करके देखना, अगर ये चीज़ वर्क कर जाती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता देना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट @GuruGhantal Official, तो यहाँ पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो। एंड दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। तो चलो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज इस बंदे ने कमेंट करके आप लोग के लिए एक सॉल्यूशन बताया हुआ है। आप लोगों को सिंपली वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है और गेम को ओपन करना है, और गेम को जैसे ही आप लोग ओपन कर लेते हो तो आप लोगों को वाईफाई को बंद कर देना है और स्विच कर जाना है अपने मोबाइल के इंटरनेट पर। और दोस्तों आप लोग स्विच कर जाओगे ना तो उसके बाद आप लोगों का रिसोर्स पैक और मैप वगैरह डाउनलोड नहीं होगा, बट यहाँ पर आप लोग की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइज आप लोग ये चीज़ को ट्राई करके बताना कि यार आप लोगों का फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें तो यार इस बंदे ने कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए एक सॉल्यूशन ये बताया कि आप लोगों को ना अपने फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड के डिवाइस का हॉटस्पॉट को ऑन करना है, देन वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग गेम को प्ले करोगे ना तो आप लोगों का इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा। मतलब कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिम के अंदर आ रही है, ठीक है। सो गाइज आप लोग वाईफाई का एक बार यूज़ करके देख सकते हो, ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों को मे भी देखने को नहीं मिले। बट दोस्तों ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है आप लोग के लिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें तो और इस बंदे ने कमेंट सेक्शन में ये बताया हुआ है कि भाई आप लोगों को ना अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेना है, और यार वहाँ पर आप लोग जैसे ही लॉग आउट करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को रिपेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को रूटीन रिपेयर के साथ यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पूरी सेटिंग को रिसेट कर देना। और दोस्तों ये वाली सेटिंग को करने से पहले आप लोग मेरी एक बात का ध्यान रखना, आप लोगों को सारे के सारे मैप वगैरह फिर से डाउनलोड करना पड़ेंगे, सारे रिसोर्स पैक फिर से डाउनलोड करना पड़ेंगे, और आपका जो कंट्रोल की जो सेटिंग वगैरह है वो भी एकदम रिसेट हो जाएगी। तो गाइस ये चीज़ को करने से पहले आप लोग अपने रिस्क के ऊपर ये चीज़ को करोगे, इसके बारे में मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं बोलोगे। सॉल्यूशन है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। अगली कमेंट के अंदर हमारे को एक न्यू सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट है या फिर 5 GB इंटरनेट है या फिर 5 GB इंटरनेट आप लोग को दूसरे डिवाइस से ले लेना है, देन उसके बाद आप लोगों ना BGMI गेम को खोल कर 30 मिनट तक रख देना है, फिर उसके बाद गेम को बंद करना है, फिर अगेन आपको चालू करना है, फिर उसके बाद ना आप लोगों का इंटरनेट कंज्यूम नहीं होगा। अब गाइस ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इससे फिक्स होगा, बट ट्राई करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो लास्ट कमेंट निकल के आ रही है उसके अंदर ना ये बंदा कन्फर्म होके बोल रहा है कि यार डाटा उन्हीं बंदों का ख़त्म हो रहा है जिनके पास एयरटेल का सिम है। अब गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि एयरटेल के सिम में ही ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या फिर जियो की सिम के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये तो दोस्तों आप लोग मुझे कन्फर्म करके कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड दोस्तों मैंने इतने सारे आप लोगों को सॉल्यूशन बताया हुआ है, तो यार इनमें से अगर कोई चीज़ वर्क कर जाती तो आप लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट @GuruGhantalOfficial। एंड दोस्तों आप लोग ये चीज़ जरूर से बताना, क्योंकि अगर चीज़ वर्क कर जाती तो हम लोग अगली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ कन्फर्म कर देंगे कि आप लोगों को ये वाली सेटिंग को कर लेना है, उसके बाद आप लोगों का इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनी है, तो और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।